तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि तुम भी इन तीनों की तरह माइनक्राफ्ट पीवीपी करना चाहते हो, तो आपने बहुत सही वीडियो पर क्लिक किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पीवीपी में बॉट हो, नूब हो या प्रो हो। आज मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जिससे आप पीवीपी डेवल बन सकते हो, पर इसकी एक कंडीशन है, सेटिंग्स ऑन करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी पीवीपी डेवल बनने के लिए। सिर्फ सेटिंग ऑन करने से आप पीवीपी डेवल नहीं बन जाओगे। तो अभी आप हो नूब पर आपको बनना है पीवीपी डेविल। तो देखो गाइस, अभी तो चल रहा है 1.20 का जमाना, तो इस 1.20 के अपडेट में काफी सारे फीचर्स और कंट्रोल ऐड हुए हैं, और अभी मैं आपको बताऊंगा बेस्ट कंट्रोल पीवीपी के लिए। तो जो सबसे बेस्ट कंट्रोल है पीवीपी के लिए, मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं लगता। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल्स में जाना है, वहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और मैं चाहता हूँ आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहता है पीवीपी के लिए। उसके बाद आपको कस्टमाइज कंट्रोल पे जाना है, वहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हो और उसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। वैसे मुझे तो डिफॉल्ट में खेलना पसंद है माइनक्राफ्ट, पर आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर आपको थोड़ा नीचे जाके मिलेगा स्प्रिंट यूजिंग द जॉयस्टिक। देखो गाइस, नॉर्मली आपके प्लेयर को तेज भागने के लिए स्प्रिंट का बटन दबाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप ये सेटिंग ऑन करते हो, आपके प्लेयर को तेज भागने के लिए स्प्रिंट का बटन दबाने की जरूरत नहीं है, वो बिना स्प्रिंट का बटन दबाए भी तेज भाग सकते हैं, और ये चीज पीवीपी में काफी काम आती है। और उसके थोड़ा नीचे आपको विजिबिलिटी जॉयस्टिक का ऑप्शन दिखेगा, पर कुछ नहीं, आप जैसे हिडन जॉयस्टिक पे क्लिक करोगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपकी जॉयस्टिक गायब हो जाएगी, कुल मिला के हिडन हो जाएगी। फिर उसके नीचे आपको दो वाइब्रेट की सेटिंग मिलेगी, उसको आपको ऑफ करना है क्योंकि आप जब भी ब्लॉक तोड़ते हो तब आपका फोन वाइब्रेट करता है, लेकिन जैसे ही आप ये सेटिंग ऑफ करोगे फिर आपका फोन वाइब्रेट नहीं करेगा। फिर वही बेसिक, आपको ऑटो जंप ऑन कर देना है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं ऑटो जंप क्या होता है। फिर आपको अपने गेम की ब्राइटनेस 100 कर देनी है, क्योंकि ब्राइटनेस 100 करने से आपको केव में और रात में ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगा नॉर्मली ब्राइटनेस से। फिर आपको FOV के ऑप्शन पे जाना है, ये मेनली आपके गेम की रेंज बढ़ा देता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप FOV 60-70 के बीच में रखो, क्योंकि इसमें खेलना काफ़ी टफ होता है, और आप जैसे जैसे प्रो बनोगे वैसे वैसे आप अपने हिसाब से आगे आगे बढ़ा सकते हो। फिर आपको नॉर्मल UI प्रोफाइल को पॉकेट से क्लासिक कर देना है, जिससे आपका माइनक्राफ्ट PC वाली वाइब देगा। और हाँ, आप अपने GUI को भी चेंज कर सकते हो, ये मेनली आपके माइनक्राफ्ट के थीम को छोटा या बड़ा कर सकता है। जैसे ही आप अपने GUI को लो में सेट करोगे, आपको PC वाली वाइब मिलेगी, आपको लगेगा जैसे आप माइनक्राफ्ट PC में खेल रहे हो। तो ये थी कुछ सेटिंग PvP डेविल बनने के लिए। देखो गाइस, पहले भी मैंने कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, सेटिंग्स ऑन करने से कुछ नहीं होगा, आपको पीवीपी डेविल बनना है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इन सेटिंग्स के साथ। सिर्फ ये नहीं कि आप सेटिंग्स ऑन करने से पीवीपी डेविल बन जाओ, मेरे से जितना हो पाया उतना मैंने आपको बता दिया है, और अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। और हाँ, मैं अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी लेके आ गया, तो आप चाहो तो मुझसे बात करने के लिए डिस्कॉर्ड पर भी जा सकते हो और मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाओ प्रैक्टिस करो। और हाँ, एक और बात, थैंक्स।